चूरू जिले में पिछले एक सप्ताह से झुलसा देने वाली भीषण गर्मी पड़ रही। सूर्य के उदय होते ही आकाश से आग बरसने लगती है, साथ ही सड़कें आग उकलती हुई मानो नजर आती है। इस झुलसा देने वाली गर्मी के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग पिछले 3-4 दिन से सुबह से शाम तक घरों में ही दुबकने को मजबूर नजर आते हैं। सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। जो लोग घरों से जरूरी कार्य से निकल रहे वे भी कपड़े से अपना चेहरा ढककर निकल रहे हैं। साथ ही इन दिनों पेय पदार्थों की दुकानें तरबूज बेचने वालों की तथा मिट्टी के फ्रिज कहे जाने वाले मटके बेचने वालों की पवारा है, क्योंकि लोग इस प्रचंड गर्मी में घरों से बाहर निकलते हैं तो पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं या फिर तरबूज खाकर गर्मी से निजात पाते हैं तथा आम व्यक्ति घरों में ठंडा पानी पीने के लिए मटकों आदि की खरीदारी कर रहे। तापमान पिछले एक सप्ताह से 45 डिग्री से बढ़कर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है और आने वाले 4-5 दिन में इसी तरह का तापमान बने रहने के असर बने हुए हैं। तो देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? चूरू की गर्मी को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं कि अगर बाहर जाना हो, हमें कोई जरूरी काम हो, फिर भी हम नहीं जा सकते हैं। जैसे गर्मी के अंदर पंखे और कूलर तो फेल हो रही है, एसी भी फेल हो रही है, सारा जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रहा है। तेज गर्मी को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? चूरू में ना इतनी गर्मी पड़ रही है कि ना एसी कूलर सब फेल हो रहे हैं। लोग बाग अगर बाहर जाना चाहे ना किसी काम के लिए तो वो जा नहीं सकते, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। बस ठंडा ठंडा पानी पिए और नहाए, तरबूज खाए। चूरू की गर्मी को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? चूरू में गर्मी इतनी गर्म तेज है कि कोई भी बाहर जाने के लिए बहुत आगे। चूरू की गर्मी देखते हुए मुझे जरूरी काम था डॉक्टर के, तो भी मैं नहीं जा सका। इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती है जितनी अब ये गर्मी पड़ रही है। मैं दादाजी साथ दवाई लेने जा रहा था तो हमें 20 रास्ते से आना पड़ा, इतनी तेज धूप हो रही है, 48 डिग्री सेल्सियस हो गया।